हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट इंडियन। मैं हूं प्रिंस। गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। गाइस, आज फिर से मैं लेकर आ चुका हूं एक और नया एक्साइटिंग टॉय। गाइस, तो बिना लेट कर पहले प्रोडक्ट को मंगाता हूं, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूं। गाइस, ये रहा वो प्रोडक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है एक स्पाई बोट जिसके अंदर कैमरा भी लगा हुआ है और ये पानी में चलता है और अंडर वाटर कैप्चर करता है सब कुछ। गाइस, तो बिना लेट कर मैं खोलता हूँ इसे और आपको दिखाता हूँ। लेकिन गाइस, इसे खोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक करना और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियो हमारे चैनल पे आते रहता है। गाइस, तो चलिए गाइस, अब इसे ओपन करते हैं। सील तो मैंने इसका पहले ही खोल लिया था, क्योंकि सब कुछ चार्ज करके लाना था। तो ये देखो, ये रहा इसका डब्बा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक मैनुअल, एक चार्जिंग केबल और ये हमारा मेन स्पाई बोर्ड। गाइस, तो इसे बाहर निकालते हैं। अच्छा पैकेजिंग के साथ आया है। गाइस, इसे ये इधर मिलता नहीं है, मैंने इसे बाहर से इंपोर्ट करवाया है, जिसमें इसे आने में टाइम लग गया, इसी कारण से वीडियो भी हमारा थोड़ा लेट हो गया है। गाइस, ये देखो सब कुछ मैंने खोल लिया है। आपको इसके पैकेट में बस देखने को एक ये मेन स्पाई बोर्ड मिलता है और इसमें कोई कंट्रोलर नहीं मिलता है, क्योंकि ये चलता है मोबाइल के एक ऐप से, जो कि अब मैं आपको इसे कनेक्ट कर दिखाता हूँ और इसे चला कर दिखाता हूँ। और गाइस, ये भी देख लो कि ये इसका आगे का पूरा बॉडी है और ये रहा इसके पीछे का कैमरा, मूवेबल कैमरा। इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है जो आगे पीछे मूव होता है। गाइस, ये रहा इसका दो खतरनाक सा पावरफुल प्रोपेलर्स और ये इसका डिज़ाइन एयरशिप की तरह है थोड़ा डिज़ाइन। गाइस, तो यहाँ भी लिखा हुआ है रेज। बिना लेट करे इस ऐप को मैं कनेक्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे इस सीन पे चला कर दिखाता हूँ आपको। गाइस, गाइस इसे कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा सिंपल काम है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से जाके इसका ऐप को इंस्टॉल करना, आई स्पाई टॉयज करके नाम होगा, आई स्पाई टॉयज करके, और उसके बाद इसे ओपन करना है। गाइस, और लेकिन इसे ओपन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सबसे पहले आपको इसे ऑन करना है। इसमें कोई स्विच दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे वाटर में लेके जाना होगा। सबसे पहले हम इसे वाटर में लेके चलते हैं। गाइस, आ जाओ, और उसके बाद आप ऐसे ही इसको पानी में रखोगे। ये देखो, यहाँ पे एक लाइट जलना चालू हो चुका है, मीन्स ये ऑन हो चुका है। और उसके बाद फिर आपको अपना मोबाइल का वाईफाई को ऑन करना है और वहाँ पे आपको ये, आपका सबका अलग अलग नाम होता है, इस नाम से मेरा में शो कर रहा है, तो मैंने इसे यहाँ से कनेक्ट कर लिया है, HCC6CF67 करके मेरा ये मॉडल वाला का नाम है। तो इसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया वाईफाई में जाके। फिर आई स्पाई का टॉय खोलना है, उसके बाद आपको तीन यहाँ मॉडल दिख रहा होगा, जो भी आपका मॉडल है। मेरा मॉडल तो ये वाला है, मॉड्यूल बोट, मॉड्यूला बोट। इसे मैंने ऑन कर दिया, ये देखो ये हो चुका है कनेक्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर अच्छा से, तो ये रहा इसका कंट्रोलर और ये आगे पीछे का, ये राइट लेफ्ट का, और ये आपको अगर कैमरा दिख रहा होगा तो ये इसका अंदर का कैमरा है। अब मैं आपको चला कर दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से पहले ऑन करना होगा, इसे ऑन हो चुका है। अब ये देखो गाइस, जाना चालू हो चुका है। ये देखो गाइस, कितना खतरनाक है, राइट लेफ्ट भी घूमता है पूरे खतरनाक तरीके से। गाइस, मीन्स देखा जाए तो बहुत खतरनाक है। इसके कैमरा को पहले मैं आपको इसको बुलाता हूँ वापस, रुक जाओ। ये देखो, पूरी बेहतरीन तरीके से ये चल रहा है पानी में। और इसका कैमरा भी अगर आपको दिख रहा होगा, मैं इसका भी फोटोज, मीन्स इसकी कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको दिया गया 720p का कैमरा, लेकिन मैंने जहाँ तक इसे चेक किया उस 720p लाइक नहीं है, मीन्स बहुत ही घटिया है। लेकिन इसका प्राइस भी गाइस ज़्यादा नहीं है, 1000-2000 रुपये है इसका प्राइस, तो उसके हिसाब से कंप्रोमाइज़ हो सकता है। गाइस, यहाँ आपको बहुत सारे मोड्स देखने को मिलता है। ये देखो, ये जो आपको मोड दिख रहा है, ये कैमरा मोड, मीन्स इसमें फ़ोटो खींच सकते हो आप। उसके बगल में ये वीडियो मोड, इससे वीडियो बना सकते हो, जो इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। और उसके बाद ये जो आपको इधर दिख रहा है, ये ऑटोमेटिक है मोड कुछ, ये वाला। और ये दोनों तो मैंने चेक ही नहीं किया, ये क्या है। अच्छा, ये रोटेट होता है इससे स्क्रीन। और ये जो मोड है, अच्छा, इससे आपको गैलरी, इसके अंदर जो फुटेज है वो देख सकते हैं आप। ये आपका बोट का ऑन ऑफ स्विच है और ये वाईफाई कनेक्शन बता रहा है, ये बैटरी हेल्थ बता रहा है। और गाइस, आपको मैं ये भी दिखा दूँ कि इसके अंदर जो कैमरा लगा हुआ है वो भी ऊपर नीचे रोटेट करता है, उसका भी यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखो, ये ऊपर का ऑप्शन है, ये नीचे का ऑप्शन है। ये देखो, कैमरा मूव हो रहा है। ये देखो गाइस, तो आप इसे ये भी कर सकते हो। बाकी अब मैं आपको चला कर दिखाता हूँ कैसे चलता है ये, कितना खतरनाक है, कितना दूर तक इसका रेंज है। गाइस, ये देखो गाइस, ये आ चुका है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब मैं इसे कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा दूर तक भेज सकूं और चेक करूं कि क्या है इसका रेंज। चलो गाइस, तो बिना लेट करे फटाक से मैं इसे आगे भेजता हूं। ये देखो,
ओ ये थोड़ा सा अटक गया, थोड़ा सा आगे पुश करना होगा इसे। चलो गाइस अब ये देखो ऑटोमेटिकली मींस डिसेंट सा स्पीड है, ज़्यादा भी स्पीड नहीं है, लेकिन जो है सब बढ़िया है। इसे भेज रहा हूँ मैं आगे, देखता हूँ कितना दूर तक ये जा पाता है। मींस थोड़ा थोड़ा मेरे को लग रहा है कि ये इसका पावर कम हो रहा है यहाँ पे। बाकी कंट्रोल की बात करूँ तो ठीक ठाक है अभी भी, अभी तक तो अच्छा खासा दूर जा चुका है गाइस ये बोट। ये देखो, ओहो मीन्स अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा बोट में। मीन्स कनेक्शन के अगर मैं बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा बोट में। नहीं नहीं अब कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, अभी कनेक्शन लॉस्ट हो गया था बीच में, अभी तक ठीक है वापस आ गया। अभी यहाँ पे मेरा घूमने लगा था स्क्रीन, कनेक्शन लॉस्ट आ गया था, लेकिन वहाँ तक ये कोई बिना दिक्कत का चला जा चुका है। इसे थोड़ा सा कंट्रोल करना मीन्स उतना ईजी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। देखो ये घूम जा रहा है, पता ही नहीं चलता कि सीधा किधर से है और उल्टा किधर से है गाइस। तो इसके अंदर से निकालता हूँ मैं सबसे पहले, ये देखो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ आगे तक जा रहा है। गाइस मेरे सामने बहुत सारी झाड़ियाँ थी, मेरा टास्क था कि इन सब झाड़ियों से इसे निकालना, और ये अच्छी तरीके से उससे निकल जा रहा था। इसका कंट्रोल मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया था। इसका जो स्टार शिप के जैसा शेप है, इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक और आराम से कहीं से भी निकाल देता है। और ये झाड़ियाँ तो इसके लिए कुछ नहीं था, बस दो मिनट का रास्ता था, आराम से इसने निकाल दिया। और इसका डिस्टेंस जहाँ से मैं इसे चला रहा था वो भी बहुत था, मतलब मीन्स बहुत दूर से चला रहा था मैं। मैंने इसे झाड़ियों से तो निकाल लिया, लेकिन अब बारी थी इसे सबसे दूर तक भेजने का, मीन्स ये मैक्सिमम कितना दूर तक जाता है। तो मैंने इसे कोशिश किया कि जितना ज्यादा से ज्यादा दूर भेज सकूं, चाहे मेरा कनेक्शन लॉस्ट ही क्यों ना हो जाए, मुझे इसे चेक करना था कि ये कितना दूर तक जाता है गाइस। तो मैंने इसे कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा दूर तक भेज सकूं, और ये बहुत बढ़िया तरीके से जा भी रहा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा गाइस, ये मीन्स बहुत दूर तक जा रहा था गाइस। इसके प्राइस के मुकाबले मेरे को ये बहुत सॉलिड प्रोडक्ट लगा, और ये टॉय अभी तक बेस्ट रहा। मीन्स इसका स्पीड डिसेंट है, लेकिन बाकी सब में ये सॉलिड है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कहां तक जा चुका है। ये उतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर आराम से मेरे पास वापस आ गया। सिर्फ इसमें एक बार कनेक्शन लॉस्ट हुआ जब ये सबसे दूरी पे था, लेकिन वो कनेक्शन भी वापस आ गया जब ये थोड़ा सा मेरे तरफ वापस आया लहरों की मदद से। ये रहा इस स्पाई बोट का 720p का कैमरा का वीडियो क्वालिटी, आप देख सकते हो। ये 720p तो लग नहीं रहा, मेरे ख्याल से 360p है। और गाइज ठीक है, मींस ये उतना गंदा पानी में अच्छा रिजल्ट नहीं देता, और मेरा ये तालाब भी जो था वो उतना साफ नहीं था, वो इसमें ग्रीन वाटर था जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर भी गाइज देखा जाए तो डिसेंट सा मीन्स आपको दिख रहा है, हल्का फुल्का ठीक ठाक, मीन्स ओवरऑल ठीक है गाइज। तो इसे चला करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब इसका रेंज एक्सट्रीम मस्त है, बहुत सॉलिड रेंज है, और यहाँ हवा भी बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, लेकिन ये लहर को भी काट ले रहा था अच्छा खासा दूरी में, आपको मैंने दिखाया जैसे कि वीडियो। मींस ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और गाइस इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से मैंने इसे 1600 या 1700 रुपए में लिया था, या अप डाउन वही कुछ, मतलब 2000 के अंदर में ही लिया था, और उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। लेकिन बस इसका जो कैमरा है 720p का, वो 720p नहीं है, मेरे ख्याल से 240p है, बस कंपनी ऐसे ही बोल देता है। और मूवेबल कैमरा है, मीन्स उतना अच्छा से क्लियर अंदर दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। मीन्स इसका शेप इसको बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है, और ये चलने में भी बहुत ज़्यादा शानदार है। और स्पीड की बात करूँ तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा डिसेंट है, सब कुछ इसमें ओवरऑल मस्त है। तो गाइज अगर आपको मन करे तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहाँ जाके चेकआउट कर लेना, अगर मन करे तो परचेज भी कर सकते हो। मेरे तरफ से एकदम मस्त है, ओके है। तो गाइज आप देख लेना अपने हिसाब से। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक करना, और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ऐसे अमेजिंग अमेजिंग वीडियो हमारे चैनल पे आते ही रहता है गाइज। जाओ जल्दी।